जनपद सीतापुर के मिश्रिक क्षेत्र में स्थित महर्षि दधीच आश्रम पर एकादश महर्षि दधीच जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यह कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से लगातार होता चला आ रहा है। कार्यक्रम के तहत शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मंदिर से चलकर नगर मार्गों से होते हुई वापस महर्षि दधीच मंदिर पहुंची, जहां महर्षि दधीच कुंड पर महाआरती महंत देवानंद गिरि द्वारा की गई। तीर्थ पुरोहित राहुल शर्मा वेद व्रत मिश्रा ने मंत्रोच्चार कर आरती संपन्न कराई। आरती में कई प्रांतों से आए हुए यजमान सम्मिलित हुए। रात में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इससे पूर्व महर्षि दधीच द्वारा स्थापित दधीचेश्वर महादेव का अभिषेक कर भगवान दधीच की महाआरती की गई व दीपदान किया गया। आई इंडिया के मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा ने राजस्थान से आए मांगेलाल दधीच शंकरलाल शर्मा से बात की। देखें यह रिपोर्ट। दधीच की तपोस्थली पर आए हैं और जन्मोत्सव मना रहे हैं, कब से आ रहे हैं और क्या आस्था है आपकी यहाँ? हमारे कुल देवता हैं, हमारे पूजनीय हैं, हम विगत 10 सालों से 10-11 सालों से बराबर आते हैं और जन्मोत्सव को बराबर तन मन धन से समर्पित होकर के मनाते हैं। आप लोग कितने लोग यहाँ पर आए हैं? अभी लगभग हम 300 आदमी हैं। किन किन जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं? ऑल ओवर राजस्थान से है, कोई चेन्नई से भी आया है, कोई ऑल ओवर इंडिया से है, राजस्थान इंदौर से भी है और अजमेर है, जोधपुर है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, नागौर है। मैं एक्चुअली लखनऊ में रहता हूँ, मैं बराबर हर महीना में बराबर आता रहता हूँ। विकास कार्य जितना संभव हो सकता है उतना कराने की चेष्टा करते हैं, बाकी प्रभु की इच्छा है, भगवान करा ले उतना अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगीलाल दायमा है और एक हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं, अगर उनका आदेश होगा तो एक गेस्ट हाउस बनाने की हम लोगों की इच्छा है। मेन जी से चर्चा करेंगे, उसके बाद में उस पर फाइनल डिसीजन करेंगे। और गर्भगृह का जो मंदिर है उसका भी कुछ जीर्णोद्धार करने का हमारी इच्छा है। तो मेन जी से कल विस्तृत या अभी चर्चा करेंगे, उसकी रूपरेखा बनाने के बाद में आगे आपको सूचना दी जाएगी। ठीक। आपको बता दें कि महर्षि दधीच ने जन कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान में इंद्र भगवान को दे दी थी, जिससे सृष्टि की सुरक्षा हुई थी, जिसमें दूर दराज प्रांत राजस्थान जयपुर चेन्नई से आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में लक्ष्मी नारायण दधीच, मनमोहन दधीच, किशनगढ़ से जगदीश प्रसाद मालोदिया, कैलाश रतुआ मकराना, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष प्रिया शर्मा, गोविंद प्रसाद तिवारी चेन्नई, विजय गुरु चेन्नई, जोधपुर से दीपक दधीच व चिंटू दधीच, महर्षि सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष शंकरलाल शर्मा क्या बताया उसे भी सुनिए। हम बहुत पूछ रहे हैं, आज महर्षि दधीच का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर और आप लोग बाहर से दधीच वंशज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या आस्था है आपकी और कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हैं? हम पिछले 11 वर्ष से दधीच जयंती मनाने में शुरू आते हैं। पूरे भारतवर्ष से इस वक्त 400 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं और पूरे भारत के कोने कोने के लोग यहाँ आ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी दधीच बंधु यहाँ आवे और अपना जो मेन स्थान है दधीच कुंड, दधीच का जहाँ पे भगवान दधीच ने अपना देह दान किया था, उसका सर्वांगीण विकास भी हो और उसी तापन में हम दधीच मंदिर के पिछड़ा में 2500 स्क्वायर फीट का एक मकान भी खरीदा है, जिसमें हमारे सभी दधीच बंधुओं के लिए भोजन व्यवस्था और आवास व्यवस्था निःशुल्क रहती है। इसके अलावा मिश्रित के जो निवासी हैं वो भी इसी भवन का उपयोग कर सकते हैं, उनसे भी हम कोई भी चार्ज नहीं लेते। हम चाहते हैं कि हमारे मिश्रित का, हमारे मंदिर का सर्वांगीण विकास हो। कितने वर्षों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? इस वर्ष 11वां वर्ष चल रहा है। क्या नाम है आपका? शंकरलाल दादी। हम मौजूद है इस समय जनपद सीतापुर के मिश्रिक विश्वविख्यात महर्षि दधीच कुंड पर, जहां पर महर्षि दधीच का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और यहां पर देश विदेशों से लोग यहां अन्य जिलों से इंदौर चेन्नई आदि से यहां पर लोग आए हुए हैं और उनका जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ दधीच वंशज के लोग भी यहां पर आए हुए हैं और वो यहां पर महर्षि दधीच का जन्मोत्सव मना रहे हैं। हम आपको यहाँ पर बात कराते हैं, जो हमारे साथ में यहाँ पर उनके वंशज हैं, दधीची वंशज हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी
कम से कम यहाँ पर अगर देखा जाए तो 100 के लगभग यहाँ पर उनके यजमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनके वंशज मौजूद हैं और उन्होंने बहुत से कार्य यहाँ पर महर्षि दधीच जो मंदिर है, जो आश्रम है वहाँ पर कराए हैं और उनकी उनकी इच्छा है कि ये जो आश्रम है, जो मंदिर है, इसका और विकास हो। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या इच्छा है और वो किस तरह से यहाँ पर उनकी आस्था जुड़ी हुई है। तो क्या नाम है आपका? मेरा हेमराज आदित्य है, जयपुर से आया हूँ। और यहाँ पर आप जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं? प्रथम बार 2 सितंबर 1900 को आया था, 2000 को आया था और उसी टाइम हमने घोषणा की थी कि इसका दधीचेश्वर महादेव की स्थापना करें और उसके बाद में कम से कम हर 3 साल तक तो अब जब उसे अप डाउन करता रहा और हर 15 दिन आके और यहाँ विकास कार्य को देखता रहा करता रहा और हमारे साथ में ये बांगीलाल जी इनके रहते हैं, इनसे सपोर्ट मिला, इनके साथ बनाते थे हमारी वर्ल्ड दधीच फाउंडेशन ने काम किया, व्यक्तिगत वर्ल्ड दधीच फाउंडेशन जिस खोल के काम किया और आगे भी हमारा जो प्रोजेक्ट है हम ये चाहते हैं गेस्ट हाउस पर अभी इसको बनाऊंगा और भी विकास कार्य जो है क्या है गर्भ ग्रह काफ़ी पुराना हो गया, उसकी चौक पर उठे चलती है तो उसका भी जो जीर्णोद्धार की बहुत बढ़िया हम कर रहे हैं उसकी बात आज बात करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि इसका विकास हो और काफ़ी कुछ विकास हुआ है और भी विकास के लिए प्रयास है इसका विकास हो, इसके अंदर सारा आदि परमा देना हुआ है। हमारे साथ अन्य भी वंशज जी मांगेलाल जी हैं और हम उनसे बात करेंगे कि जो उन्होंने विकास के बारे में यहाँ मिश्रिक दधीच से आस्था जोड़ी और जब से ये दधीच वंशज के लोग यहाँ पर जुड़े हैं, बाहर से लोग श्रद्धालु भी देश विदेशों से यहाँ पर आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनकी आस्था किस तरह से यहाँ पर विकास की ओर बढ़ रही है। हमारी आस्था देखिए, हमारे ये वंशज इन्हीं के वंशज हम हैं, हमारी आस्था इनसे बहुत ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि इस स्थान का जितना भी विकास हो उतना कम है और ये अभी हेमराज जी ने कहा था 15-20 कमरों की एक यहाँ बहुत आवश्यकता है, हम लोग आते हैं यहाँ रहने की ठहरने की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो हम सोच रहे हैं कि एक गेस्ट हाउस का ही व्यवस्था हो जाए, आने वाले श्रद्धालुओं को थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी और भी कोई श्रद्धालु आए तो खाने पीने की और सुविधा, अभी थोड़ी दिक्कतें हैं, भगवान ने चाहा तो देखो इसमें सफलता मिलेगी। हम मेन जी से विचार करके इसकी रूपरेखा आगे तैयार करेंगे। तो इस तरह से हेमराज जी ने और यहाँ पर जो मंगूलाल जी हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ पर मंगेलाल जी और जो बाहर से जो अन्य जदीदी वंशज यहाँ पर आए हैं और उनका उद्देश्य है कि इसका विकास हो और किसी तरह से जो यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए कोई साधन नहीं है उनके वो उसी तरह से उनकी व्यवस्था करें और जिससे उनके जो इष्ट मित्र हैं या कोई भी यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ पर उनकी निःशुल्क व्यवस्था हो सके। मिश्रिक से आई इंडिया न्यूज के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। सावरमल जोशी, ओम प्रकाश बहड़, मनोज दधीच, मुकेश शर्मा, राजेंद्र रतवा, सतीश दधीच, नारायण दधीच, रामलाल दधीच, राजेंद्र दधीच, प्रदीप विशाल दधीच, अमित दधीच सीतापुर, बल्लभ दधीच कानपुर सहित अन्य नगरवासी उपस्थित रहे। तीर्थ पुरोहित राहुल शर्मा ने क्या बताया उसे भी सुनिए। महर्षि दधीच का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, लोग बाहर से विदेशों से यहाँ पर आते हैं, कितने लोग यहाँ पर आए हैं और कुछ दधीची वंशज भी यहाँ पर आए हैं, उनकी क्या आस्था है? यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ लोग पधारे, इसमें करीब 500 से 700 दधीच ब्राह्मण हैं और ये दधीच जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर आरती हुई, जैसा कि हर बार दधीची जन्मोत्सव में पंचकोरी आरती और 11,000 दीपकों से ये दधीची कुंड सजाया जाता है, वो होगा कल की डेट में, क्योंकि भाद्र मास के शुक्लपक्षी अष्टमी को अर्धरात्रि से कुछ पूर्व हमारे दधीच नारायण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, वो प्रगटोत्सव महोत्सव हम सब पूर्व काल से परंपरागत आज भी मनाते चले आ रहे हैं। जैसा कि आज पूर्व संध्या पर आरती हुई, कल दधीची जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पंचकोणी आरती पूरे तीर्थ पे 11,000 दीपक और आज संध्या में भजन संध्या की व्यवस्था है दधीची प्रांगण के अंदर। कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं दधीची वंशज के? लगभग मान के चलिए 500 करीब हमारे दधीच परिवार से हैं और हम लोग बड़ा प्रसन्न होते हैं और कुछ गौरव भी होता है और अच्छा लगता है कि पूर्व जन्म के संस्कार उदय हुए कि इस 84 को उसको अष्टम वैकुंठ बनाने वाले दधीची नारायण
कि हम पूजा कर रहे हैं उनके वंशज हमारे सम्मुख जब खड़े होते हैं तो एक ऊर्जा मिलती है और वो हमारे साथ में हैं और हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो मैं अपनी प्रसन्नता को व्यक्त नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? मैं राहुल शर्मा, पुजारी ददुची। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।